नमस्कार, स्वागत आप सबका श्री देव टीवी पर। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने रामानंद सागर जी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। इनका नाम है गिरीश सेठ। सेठ जी वैसे तो रामायण में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए, कभी एक गांव वाले की भूमिका में तो कभी एक दरबारी की भूमिका में, किंतु इन्हें असली पहचान मिली एक गंधारू की भूमिका से। हे राघवेंद्र, आप धन्य, रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है, आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। राम, आप शोक न करें, आप अवश्य। और विश्वकर्मा पुत्र नल की भूमिका से। हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि शांति से रहते हैं। उनकी आंखों में तो महाराजा सुग्रीव और इनके हम चार मंत्री कांटे की तरह खटक रहे होंगे। क्षमा करे प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी, बिना कहे हम अपने गुणों को नहीं बताते। उत्तर रामायण में ऋषि भारद्वाज की भूमिका भी इन्होंने ही निभाई, जो इनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, किंतु आज भी लोग गिरीश जी को नल की भूमिका के लिए याद करते हैं। तो आइए जानते हैं गिरीश जी से उनके निजी जीवन और रामायण से जुड़ी अनेक बातों का सिलसिला। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री देव टीवी पर। नमस्कार जी कौशल जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है जो आप पुनः मेरे को यहाँ पर लाए, आपका हार्दिक शुक्रिया। जी जी सर। तो सर जी, आज 33 साल बाद रामायण एक बार फिर से दूरदर्शन पर आया और लोगों ने आपके मल्टीपल रोल्स देखे, तो आज आपको 33 साल बाद कैसा लग रहा है ये देख करके, दर्शकों का इतना प्यार पा करके? कौशल जी, यदि दिल से बोलूँ तो पहले जब रामायण हुई थी उस समय इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना आज के समय खुशी हमें हो रही है, क्योंकि उस समय तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ना उस समय इतना मीडिया था, ना आप जैसे लोग थे, ना आज जैसी पब्लिक थी। अब वही बात दोहराता हूँ, तो फिर भी ये है कि उस समय लोग इतने पसंद भी नहीं करते थे, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा आते थे और यहाँ आकर के मिलते जाते थे। पर आज मीडिया इतना फैल गया, इतना पॉपुलर हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि लोग आते हैं और यहाँ पर लोगों ने हम जैसे लोगों को इतना मान दिया, सम्मान दिया। वो एक एक मीडिया वाले, एक एक आप जैसे लोगों का, सभी का मैं दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा तो उन लोगों का जो आज 3 जनरेशन गैप के बाद भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, खास करके हमारे दर्शक लोग, उसमें भी कुछ खास लोग हैं जो हमें रोज़ डेली इतना रिस्पांस देते हैं, उन सबका विशेषकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खास करके हमारे एक मैसेंजर ग्रुप है, उसके अंदर हमारी एक खुशबू जी हैं, पायल जी हैं, मीरा जी हैं और प्रिया जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, काजल जी हैं और अलिया जी हैं। काफ़ी इतने लोग हैं जो दिल से रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं, इतना ज़्यादा वो हमें मान सम्मान देती हैं, हमारा तो दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है। हम तो उनके लिए कोई शब्द भी नहीं बोल सकते। आज हमारी जीवन जो एक बिल्कुल ये कोरोना काल में बिल्कुल डूबा हुआ था, आज हमारे जीवन में तो एकदम बाहर से आ गई है। अब उनका शुक्रिया कैसे अदा करें हम तो सोच भी नहीं पा रहे। मैं हूँ, हमारे समीर भाई हैं और एक सुनील भाई हैं, हम 3 लोग तो हैं, खास करके हमारे असलम भाई हैं, मुरारी भाई हैं और
साथ में अपने विजय कावी जी हैं और जितने भी रामायण के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो अजीत नाइक जी जो फोटोग्राफर हैं, खास करके अगर वो उन्होंने इसको शूट नहीं किया होता तो रामायण कोई देख भी नहीं पाता, विशेष करके आज उनको कोई इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं। पर सबसे ज़्यादा मैं अजीत नाइक जी को मानता हूँ, क्योंकि अगर वो कैमरा स्टार्ट ही नहीं करते तो रामायण बनी नहीं पाती। और पूरे कुटुंब के सबसे ज़्यादा मुखिया तो हमारे पापा जी हैं, रामन सागर जी, जिन्होंने इसको पूरा बनाया। और आज के तुलसीदास हैं, वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण को घर घर पहुँचाया। जी जी सर जी, पापा जी को तो मेरा दिल से प्रणाम, उनको जिन्होंने पूरे देश को रामायण दिखाया और एक कतार में खड़ा कर दिया। जी जी, तो सर जी हम बात करते हैं आपके निजी जीवन की, आपका निजी जीवन कैसा रहा और आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहा और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, इनके बारे में कुछ बताइए हमें। पढ़ाई लिखाई तो मेरी काफ़ी अच्छी रही और जी जब भी पढ़ाई लिखाई रही हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ, कभी पीछे रहता ही नहीं था। जी जी मतलब जो पांचवी या आठवीं जिस समय भी पढ़ाई की, हमेशा क्लास में उस समय एकदम फर्स्ट तो नहीं आ पाता था, पर सेकंड या थर्ड आता ही था। तो उस समय क्या है, वो हर सब्जेक्ट में को 60 नहीं कम से कम 80% बनाना पड़ते थे, पर मेरा ये था कि 80 तो नहीं बनते थे, करीब 70% से ऊपर ही देते थे नंबर, तो काफ़ी अच्छा उसमें वो रहा। तो सर आपके पारिवारिक माहौल के बारे में कुछ बताइए हमें, आपका पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमारे पिताजी और माताजी बिल्कुल देवता स्वरूप हमेशा जीवन में सही राह दिखाते थे, उनके तो बताई हुई जीवन की हर बात उस समय थोड़ी बुरी लगती थी और बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि उस समय क्रोध ज़्यादा था, बच्चा तो क्या है उस समय माँ बाप की बात नहीं मानता, पर जब माँ बाप रहते नहीं है तो बाद में फिर रोता रहता है और उन्हीं बातों को याद करके फिर उनका पालन करता है। जी जी, पर जब रामायण के एक एक एपिसोड आते थे और पिताजी फोन करके उसकी एक एक बात बताते थे, तब बड़ा दिल खुश होता था, क्योंकि कोई दर्शक करे ना करे पर पिताजी जब बेटे की तारीफ करे तो दिल को बड़ा खुशी होती थी। जी जी सर, तो सर ये आप जब ये एक्टर बने तो क्या इससे क्या आपका ये ड्रीम था कि मैं एक एक्टर बनूं, या पिताजी आपके पिताजी भी चाहते थे कि मेरा बेटा एक्टर बने, या आप स्वयं चाहते थे कि मैं एक एक्टर बनूं? एक्टर बनने का बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था, पर जब हमारे स्कूल जगदाले में पढ़ते थे तो हमारे साथ बहुत से मित्र स्टेज वगैरह करते रहते थे, मैं था, सुधीर वर्मा थे, अपने बाला प्रसाद शर्मा जी थे, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, पर वो उस समय का समय था, अब आज भी सब वही मित्र हैं। और इंदिवर हैं अपने साथ में, अपने अक्षय अजमेरा हैं, ये सारे मित्र आज भी वही के वही हैं, पर सभी साथ में हम स्टेज के वो करते थे। एक कृष्ण प्रदीप दत्ता बंगाली, वो भी शायद कलकत्ता के ही थे, हम सब वो स्टेज के शो करते थे। एक सुशील गोयल करके हैं, वो आज भी इंदौर में करते रहते हैं सब। और उस समय बस स्टेज करते थे, जबकि बचपन में स्टेज करना कोई मामूली बात नहीं थी, उस समय थोड़ा डर भी लगता था, पर धीरे धीरे हिचक खुलती तो आदमी करता जाता है। फिर स्टेज शो वगैरह करते थे, पहले तो थोड़ा बहुत गाना वाना गाया है, फिर स्टेज पे थोड़े, फिर उस समय मेरे दोस्त सुधीर वर्मा कोई एक कहानी लिखे तो उनको फिर उसका सम्मान भी मिला था जब आठवीं क्लास में थे। हमारे सर, तो सर जी आपकी एक्टर वाली जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपको सबसे पहले कौन सा टीवी सीरियल मिला जो आपको कैमरे के सामने आने का पहली बार मौका मिला, आपकी एक्टर वाली जर्नी? जब ये मेरे मन में एक बार
कुछ अलग करने की इच्छा हुई, तब मैं अपने मित्र सुधीर वर्मा, उनके बड़े भाई हैं शेखर वर्मा जी, तो उनसे मिला। तो उन्होंने मेरे को जब मेरे मन की इच्छा पूछी और बताया मैंने कि मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बोले डायरेक्ट वहाँ फिल्म लाइन में जाओगे तो कुछ नहीं, सीधे जाओगे और वहाँ जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने मेरे को जब बताया, और तो उन्होंने मेरे अपने पिताजी के मित्र थे जो इंदौर में रहते, कैफी आजमी जी, तो उन्होंने एक उनका उर्दू में लिखा हुआ एक कैफी आजमी जी के नाम एक लेटर लिख के दिया। तो मैं जाकर के वहाँ अपना इप्टा का, बोले इप्टा थिएटर है वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, उसके बाद फिर जाकर के स्टेज में अगर कोई अच्छा नाम किया तो फिर बोले हो सकता है, और वहाँ अपने ट्राई करते रहना किसी इंस्टीट्यूट में और फिल्म वालों से मिलते रहना, और कोई अच्छा रोल मिले तो फिर करना, और फिर आगे यदि सफलता मिले नहीं तो फिर आ जाना वापस, उसके बाद जैसा भी लगे वो जैसा उचित लगे मेरे को फ़ोन करते रहना, बताते रहना क्या है, नहीं तो फिर आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो वो लेटर लेके गया तो सर आप और इप्टा के ऑफिस में जाके आबिद रिजवी जी से मिला, वही मेन बॉम्बे में था उनका ऑफिस, और आबिद रिजवी जी ने मुझे सब्सक्राइब मेंबर बना दिया, और जी फिर मैं जाके बैक स्टेज में बन गया, और फिर धीरे धीरे करता रहा, और फिर वहाँ छोटे मोटे रोल करता रहा, और ऐसे ही काफी उसमें स्टेज के बहुत से बकरी है, आखिरी शमा है, ऐसे कई नाटकों में हिस्सा लेता रहा शबाना आजमी जी के साथ। सर जी आपका एक टीवी सीरियल था दर्पण, तो क्या सर जी आपने रामायण से पहले किया था या रामायण के बाद? सबसे पहला मेरा सीरियल वो दर्पण पहला ही था, रामायण से पहले जी का। जी जी सर जी। तो सर जी फिर आपको ये दर्पण करने के बाद फिर रामायण में काम कैसे मिला, मतलब सागर आर्ट्स में आपने विक्रम बेताल भी किया था इससे पहले सागर आर्ट्स में, तो आपको ये सागर आर्ट्स में काम कैसे मिला? जब दर्पण का मैं ये कर रहा था काम, तो उसका शूटिंग क्या वही चल रही थी अपने नटराज स्टूडियो में। जी जी। उसके बाद क्या है वहां पर अपने नटराज स्टूडियो में ही सागर आर्ट्स का वो था ऑफिस। जी जी। तो वही जाकर के मैं फिर इनसे मिलता रहता था विजय काबिज जी से। तो जब उस समय जब दर्पण का पूरा शूटिंग हुई, तो उस समय वो विजय काबिज जी ने देखा, और उस समय जाकर फिर मैं उनसे मिला भी, मैं उनसे जाकर के, तो उन्होंने फिर विक्रम बेताल में उस छोटे मोटे रोल उसमें जाके स्टार्ट किए। जी जी। वहाँ जा उसमें विक्रम बेताल में स्टार्टिंग में तो छोटे रोल मिल रहे थे, तो विजय भाई को मैं बोला कि इससे छोटे रोल करके मेरे को जूनियर आर्टिस्ट नहीं बनना, कोई अच्छा कंटिन्यूटी का रोल मिलेगा तो करूँगा, ऐसे करके मैं विक्रम बेताल भी छोड़ दिया। जी। उसके बाद ही फिर उस जब विजय गावी जी से बोला था कि अगर कोई अच्छा रोल होगा तो फिर बताइएगा, फिर मैं आऊँगा, तब उन्होंने बताया कि रामायण में एक रोल है, तब आओ आप मिलो मेरे से। जी। फिर मेरे को वो उमरगांव लेके तब जाके रामायण में मेरे को काम मिलना शुरू हुआ। सर जी हमने स्टार्टिंग से देखा था कि रामायण में आपने रामायण से लेकर उत्तर रामायण तक काफ़ी छोटे रोल्स भी किए, आपने नल और यो गंधर्व का रोल भी किया, तो काफ़ी छोटे रोल्स किए, तो फिर आपका गंधर्व में सेलेक्शन कैसे हुआ? शुरू में जब गंधर्व वाली आपको बताया मैंने, जैसे विजय काबिज जी ने जब मेरे को बुलाया था तब उन्होंने मेरे को ये गंधर्व के रोल के लिए बताया था कि बोले एक कंटिन्यूटी का रोल है, कंटिन्यूटी का तो नहीं बोला था, बोले एक अच्छा रोल है, तो एक गंधर्व का रोल ही था। तो जब मैं गंधर्व का रोल करने के लिए गया तो उसमें डायलॉग तो बहुत बड़ा था, और सबसे पहला तो यही था कि उसमें मेरे को अपनी मूंछ क्लीन कराना पड़ेगी, तब मेरे को लगा कि एकदम मुंह साफ करना, तो मेरे को उस समय अच्छा नहीं लग रहा था,
क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मैंने कहा मूछ क्लीन कराओ, क्योंकि मैंने कहा उस समय जब मैं बचपन में शुरू से देखता था तो सब लोग वो चेहरा उस समय ऐसा था कि अगर मूछ क्लीन करा दो तो चेहरा बिल्कुल लड़कियों की तरह हो जाएगा और सब लड़कियां मेरे को छेड़ती रहेंगी। फिर भी वो रोल इतना अच्छा था तो बोले नहीं, वो तो करने के लिए वो कराना ही पड़ेगा। फिर वो मेकअप वालों ने मूछ क्लीन करी सबसे पहले नटराज अपने उमर गांव में, मेकअप मैन वगैरह। पर ये शूटिंग शुरू नहीं हुई थी तो उससे पहले सबसे पहले इस पहला जो रामायण में शुरुआत हुई तो उस समय क्या हुआ, दशरथ जी आए नहीं थे जी जी सर। तो उस समय उनकी कोई गाड़ी खराब हो गई थी तो उस समय पद्मा खन्ना जी तैयार बैठी हुई थी तो दशरथ जी एक दिन लेट आने वाले थे जी जी। तो वो विजय भाई बोले कि वो उन्हें मेरे को मेकअप रूम में ले गए और फिर दशरथ का मेकअप करा दिया था। तो मैंने बोला आप तो गंधर्व का कराने वाले थे एकदम दशरथ, मैंने कहा दशरथ का रोल करना पड़ेगा क्या? तब बोले नहीं, बोले तो एक लॉन्ग शॉट है वो क्लोजअप में, फिर उनका लॉन्ग शॉट में आपको रखा गया था दशरथ। तब फिर वो पद्मा खन्ना जी बोली क्या दशरथ ये कंटिन्यूटी बनेंगे क्या? बोले बोले नहीं बस वो पूरी शूटिंग कर रहे थे अपने इनके ब्रदर थे आनंद सागर जी के वो कर रहे थे तो वो बोले बस आप बोले आप बैठे रहना बस मुंह चलाते रहना। तो मैंने कहा मैं मुंह के चलो आप मेरे को डायलॉग दो लॉन्ग शॉट में जी। तो उसमें तीन डायलॉग थे और जब ये अपने अपने शत्रुघ्न जी अपने समीर भाई जी जी और समीर राधा जी जी ये दोनों ब्रदर अपने जाते हैं मामा जी के और इजाजत मांगने आते हैं तब पूरा वो डायलॉग वगैरह पूरे बोले। तो पद्मा खन्ना जी और ये और पद्मा खन्ना जी से जैसे बात करता रहा तो जैसे हस्बैंड वाइफ बात करते तो वैसे ही लग रहा था। तो पद्मा खन्ना जी काफी इम्प्रेस हुई, पहले तो देख नहीं रही थी पर बिल्कुल जैसे हस्बैंड वाइफ देखते हैं तो तब उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर वो उनसे भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी जी जी। पहली बार हाँ पहले तो वो देख भी नहीं रही थी और वो तो एक समय काफी अच्छी डांसर रही और बहुत अच्छी फेमस फिल्म इंडस्ट्री की मानी हुई थी। तो शुरुआत जी जी हाँ सर बॉलीवुड की बहुत मानी हुई एक्ट्रेस। अब आप पिक्चर देखिए जॉनी मेरा नाम, तो उसमें तो क्या क्या काम किए पद्मा खन्ना जी ने। जॉनी मेरा नाम क्या ऐसी कई एक पिक्चर रही है उनकी पद्मा खन्ना जी की, तब वो काफी अच्छी लगा बोले नहीं आप तो बहुत अच्छी की एक्टिंग। तो उससे थोड़ा मेरा मतलब स्टेमिना बढ़ा और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो जी जी। तो फिर सर इनके बाद आपका नल में सिलेक्शन हुआ तो फिर पापा जी ने आपका नल वाले भूमिका में कैसे सिलेक्शन किया? मतलब आप गंधर्व वो कर चुके थे, दशरथ का भी लॉन्ग शॉट में काम कर चुके थे। नल का तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं थी, एक्चुअली यही था कि गंधर्व का करके मेरे को वापस जाने का था। फिर वो कुछ ऐसा इत्तफाक हुआ, कुछ ईश्वर की कृपा रही कि जो नल के रोल के लिए आए थे अंगद बशीर खान जी 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 और अंगद के रोल के लिए कोई एक आए थे, कोई एक पहलवान जैसे थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आता। पर जब उनके पापा जी ने उनको सिलेक्शन के लिए बुलाया गया और जब वो क्योंकि अंगद का मेन रोल तो क्या है ये रहता है कि वो अपना पैर जमाता है और वो जब रखता है तो उसको सबसे पहले रावण के सारे दरबारी आते हैं और सब एक एक जना इलाके जाता है उसके लिए। फिर रावण खुद उठता है तो अपना पैर हटा लेता है और जब उनका पैर रखा और कैमरा अजीत भाई ने वहां ले जाके देखा तो पापा जी जब उनका पैर देखा तो उनका एकदम माथा चकरा गया, बोले नहीं यार ये अंगद के रोल के लिए पैर तो सही नहीं। तो उन्होंने पहलवान जी को तो कुछ नहीं बोला,
क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता किसी का वो एकदम वो सही नहीं रहे। तो उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, बोले आप जाइए अपना रूम में आराम करिए। और बाद में वो अजीत भाई और विजय काबिज जी और जो भी उनके बच्चे आनंद भाई और सबको बोले इनको तो कुछ नहीं रहेगा। फिर विजय भाई उनको बशीर खान जी को लेके आया और उनका पैर रखा। जी जी फिर वो बशीर खान जी का उसमें अंगद के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर उनको एक दो डायलॉग बुलाए गए। जी जी तो पापा तो सर जी एक तो वो उनका सिलेक्शन हो गया। तब विजय भाई फिर वो नल के रोल के लिए बात चली। तो फिर विजय भाई फिर मेरे को ले जाके मिलवाए और पापा जी ने मेरे को देखा और एकदम सिलेक्ट कर दिया। जी जी वाह वाह सो नाइस जर्नी।